नमस्कार, आप देख रहे हैं यू फॉर यूआईस। जम्मू से करीब 20 किलोमीटर दूर खानपुर नगरोटा में निर्माणाधीन जम्मू जू प्रोजेक्ट कैंपा कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी क्षतिपूरक वनीकरण और योजना प्राधिकरण राशि न मिलने के कारण अधर में लटक कर रह गया है। एशिया के सबसे बड़े जम्मू जू परियोजना की DPR वर्ष 2015 में बनी थी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अभी तक 26 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसमें 13 करोड़ की देनदारी बाकी है। विडंबना यह है कि वर्ष 2018 में केंद्रीय वन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को मिलने वाली कैंपा राशि पर रोक लगा दी। कैंपा राशि का इस्तेमाल नए सिरे से शुरू हुए परियोजनाओं पर राज्य प्रशासन नहीं कर सकता। इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण करीब 1.5 साल से रुका हुआ है। इस वर्ष जम्बू जू लोगों के लिए खोल दिया जाना था। उपराज्यपाल प्रशासन ने राज्य में लटकी परियोजनाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का गठन किया है, ताकि अधर में लटकी जम्मू जू व अन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए बैंकों से कर्ज लेकर इन्हें पूरा किया जा सके। इसके लिए उपराज्यपाल प्रशासन ने वन विभाग के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से पूछा है कि जम्बू जू को काम चलाओ बनाने के लिए कितनी राशि चाहिए। फिलहाल चलाने के लिए 63 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। देश के हर राज्य में वनों के बीच कई सड़क या अन्य आवश्यक परियोजनाओं के शुरू करने के लिए संबंधित विभाग को वनों को हुए नुकसान के लिए राशि केंद्र सरकार को देनी होती है। इसके बाद एक डाटा तैयार किया जाता है और इस राशि के कुल सूद का कुछ हिस्सा सभी राज्यों के वन विभाग को दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी जमा राशि का 10% सूद का हिस्सा वन विभाग को मिलता था, लेकिन वर्ष 2018 में केंद्र ने ये कैंपा राशि बंद कर दी। केंद्रीय वन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों को कहा कि वो कैंपा राशि से किसी नए परियोजना को शुरू करने के लिए रुपया नहीं दे सकते। जो परियोजनाएं पहले से चल रही हैं, उसके लिए कैंपा राशि मिल सकती है। जम्बू जू के निर्माण में रोकी गई कैंपा राशि पर अधिकारी केंद्रीय वन मंत्रालय से ये ताकीद करते हैं कि परियोजना की DPR वर्ष 2015 में बनी थी, तब केंद्रीय वन मंत्रालय भी कैंपा राशि तब देने को तैयार था। जम्मू कश्मीर वन विभाग के किसी अधिकारी ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इससे अब जम्बू जू के निर्माण के लिए बैंकों से भारी भरकम सूद पर कर्ज लेने की नौबत आ गई है। वहीं रीजनल डायरेक्टर जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ MK कुमार का कहना है कि कैंपा राशि के बंद होने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से 63 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए आवेदन किया गया है। अगले वर्ष इसके निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। जम्मू जू नगरोटा के खानपुर इलाके में शिवालिक पहाड़ियों पर बन रहा है। करीब 5000 कैनाल में बनने वाले इस जू में पानी के 3 ओवरहेड टैंक बन गए हैं। इन टैंकों में तवी नदी से पानी लाया जाएगा। इसके लिए पानी का कनेक्शन देना बाकी है। बिजली के ट्रांसफार्मर लग चुके हैं, लेकिन तार बिछाई जानी है। जू का निर्माण पूरा होने पर 27 किस्म के जानवर लाए जाने हैं। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लॉयन, लेपर्ड, बियर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल आदि शामिल है। इन जानवरों को अगर लाया जाएगा तो यहाँ जानवरों का बाकायदा अस्पताल, उनके खाने पीने के लिए मीट, सब्जी, फल आदि का इंतजाम होगा। जानवरों के लिए केयर टेकर, बिजली, पानी, सड़कों का बंदोबस्त होगा। इसके अलावा यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए बैटरी कार, मुलाजिमों का वेतन आदि जैसे विकल्प ढूंढने होंगे। सेंट्रल जू अथॉरिटी के मानकों के तहत जानवरों के लिए एनक्लोजर बनेगा। कई व्यू पॉइंट तैयार किए गए हैं, जहां से जिद्रा और माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा हिल्स साफ दिखती है। इस खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।